दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय शिवालिक इंडस्ट्रीज बेस्ट क्वालिटी एप्पल ट्रीज। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा जिला किन्नौर के विभिन्न विकासात्मक कार्यों के बुधवार को ऑनलाइन उद्घाटन व शिलान्यास किए जा रहे हैं, परंतु उद्घाटन व शिलान्यास पट्टिकाओं पर किन्नौर के विधायक जगत सिंह का नाम अंकित न होने का किन्नौर कांग्रेस कमेटी ने कड़ा विरोध किया है। इसी विरोध के चलते मंगलवार को कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने जिला कांग्रेस अध्यक्ष उमेश नेगी की अगुवाई में जिला मुख्यालय रिकांगपियो में रोष रैली निकालकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद कांग्रेस कमेटी ने उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा, जिसमें उन्होंने मांग की कि आप इन आधे अधूरे कार्यों का शिलान्यास व उद्घाटन रोक दें तथा चुने हुए जनप्रतिनिधि का सम्मान करें, अन्यथा कांग्रेस सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। जो विरोध रैली जिला कांग्रेस कमेटी के झंडे के नीचे जो कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ताओं ने किया है, उसका कारण जो कल जो ये उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किन्नौर के अंदर जो करने जा रहे हैं हमारे माननीय जयराम ठाकुर जी, उनसे हम यह आग्रह करना चाहते हैं कि सबसे पहले तो जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, जो इलेक्शन लड़ के चढ़े हैं, जो नियमों के तहत होना चाहिए, हमारे माननीय जगत सिंह नेगी जी विधायक का नाम आपने साफ कर दिया, ये किस नियम के तहत साफ कर दिया, और यहाँ के जो छुटवैया नेता हैं उनका नाम वहाँ लगा दिया गया, इसके विरोध में ये विरोध रैली रही। लेकिन मैं आपके संज्ञान में ये भी लाना चाहता हूँ कि जितने भी आप ये उद्घाटन शिलान्यास कर रहे हैं, या तो इसका पूर्व के सरकार के समय उद्घाटन या शिलान्यास हो चुका है, या फिर जो है तो बजट पूरा रखा गया है और दोबारा आप इसको शिलान्यास कर रहे हैं, या फिर आपके जो किए हुए काम हैं वो अभी अधूरे पड़े हैं। 90% काम तो कांग्रेस के सरकार के टाइम में हुआ, अभी 10% कई जगह पर तो 5% आपका भी काम नहीं हुआ। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए किन्नौर से अरुण नेगी।